कवि कहूं या चित्रकार, नाटककार कहूं या उपन्यासकार, चाहे मैं कुछ भी कहूं, लेकिन ये सब शब्द कम पड़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के गुणों की व्याख्या करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम हारिका ससोदिया और आज का हम वीडियो लेकर आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, स्पेशली उनकी जयंती के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 के अंदर बंगाल के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम लोग फेमसली जानते हैं उनके लिटरेचर वर्क के लिए, चाहे वो उनकी लिखी हुई किताबें हों या उनकी लिखी हुई बुक्स हों या उनकी लिखी हुई कविताएं हों, साथ ही में वो फेमस थे एज अ पेंटर, एज अ फिलोसोफर, एक एज अ म्यूजिक कंपोजर भी। उन्होंने एक बहुत ही यूनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी फाउंडेशन रखा था जिसका नाम था विश्वा भारती। आते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका बचपन से ही शौक लिटरेचर की तरफ था, जब उनके फादर ने उनको इंग्लैंड भेजा अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पर भी जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई ना कंप्लीट करके वो वहां पर भी उन्होंने लिटरेचर ही पढ़ा। और रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो लिटरेचर के प्रति जो प्रेम था वो उनके बचपन से ही था। उन्होंने बहुत ही कम एज, यानी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पोएट्री लिखी थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पोएट्री का जो कलेक्शन था उसको पब्लिश किया था, और उस टाइम उनका पेन नेम था भानु सिम्हा। आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। उनके बहुत ही फेमस वर्क्स के बारे में जाते हैं, जैसे कि उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की बात की जाए तो उसमें आ जाता है आपका विसर्जन, डाकघर आ जाता है, चित्रांगदा आ जाता है, साथ ही में कुछ लव स्टोरीज भी लिखी थी उन्होंने, काबुली वाला, सुबह, ये सारी उनकी लिखी हुई किताबें हैं। उनकी किताबों के ऊपर कुछ बहुत ही फेमस कहानियां या हम कह सकते हैं कि मूवीज भी बनी हैं, जिसमें है 2 बीघा जमीन, मिलन, काबुली वाला, ये सब उन्हीं के उपन्यासों पर बनी हुई है। उनके जो सॉन्ग्स का कलेक्शन है जो उन्होंने कंपोज किया था उनको एक साथ रविंद्र संगीत कहा जाता है, जो कि हमारे इंडियन म्यूजिक और हमारा इंडियन कल्चर है उसका एक बहुत ही अभिन्न अंग है। बढ़ते पॉइंट नंबर 4 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन थे जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड में। उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट या कहे जाए बहुत ही फेमस रचना गीतांजलि के लिए ये प्राइज उनको मिला था 1913 के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और 1930 के अंदर हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे, और उस समय किसी इंडियन को आप एक नोबेल प्राइज मिलना जो कि जिसका वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन है बहुत ही बड़ी बात थी, और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट क्रिएट किया था। आते पॉइंट नंबर 5 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके कामों के लिए और उनके योगदान के लिए 1915 के अंदर कोहरक ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 ने नाइटहुड का अवार्ड दिया था, लेकिन जब जलियांवाला केस होता है 1919 के अंदर तो वो अपना जो नाइटहुड का जो टाइटल रहता है उसको फिर से दे देते हैं। ये उनका समर्पण था हमारे देश के लिए और हमारे देश की आजादी के लिए। बढ़ते पॉइंट नंबर 6 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनको महात्मा का टाइटल दिया था, साथ में महात्मा गांधी उनको गुरुदेव के नाम से पुकारते थे, और आज भी आप कितनी जगह हम लोग भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ही पुकारते हैं। आते पॉइंट नंबर 7 की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और साथ ही में बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सोना बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, उन्हीं से इंस्पायर होकर एक सिलोनिस स्टूडेंट ने श्रीलंका का भी नेशनल एंथम लिखा है। आते पॉइंट नंबर 8 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो सारे बंगाली कम्युनिटीज को साथ में यूनाइट करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही देशभक्ति गाने लिखे थे, जैसे कि बंगलार माटी, बंगलार जोल, ताकि वहाँ के जो लोगों हैं उन सबको, जो बंगाल की पॉपुलेशन है उन सबको साथ में लेकर आ सके, उन सबको यूनाइट कर सके पार्टीशन के बाद में। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। उन्होंने एक बहुत ही फेमस उत्सव भी स्टार्ट किया था, डेट इज राखी उत्सव, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को राखी बांधती थी ताकि एक कम्युनल हार्मनी को क्रिएट किया जा सके। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, डेट इज पॉइंट नंबर 10। जब 1920s और 1930s के अंदर टैगोर ने बहुत सारी जगहों पर टूर किया, जैसे ईरान, इजिप्ट, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इन सब कंट्रीज में गए। वहां पर उन्होंने लिटरेचर दिए, अपने फिलोसफी के बारे में बताया। उसके साथ ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही फेमस लेक्चर भी डिलीवर किया था 1932 के अंदर, और वो लेक्चर डिलीवर किया था उन्होंने द रिलीजन ऑफ मैन के ऊपर। ये थे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तत्व। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय।